हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को हिंदी का जो प्रीलियम पेपर है उसको आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से प्रीलियम पेपर आता है। देखोगे यहाँ पे 6 तारीख को ये प्रीलियम पेपर हुआ है, मतलब कल के डेट में हुआ था। आज मैं 7 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को। ये 10 बजे वीडियो आज के डेट में 7 तारीख को मिल जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे 2022-2023 दिया गया और हिंदी का आप लोग का है, और ये चीज़ 80 नंबर का आप लोग का होता है प्रीलियम पेपर, और आप लोग का बोर्ड एग्जाम भी 80 नंबर का होता है, और 3 घंटे का आप लोग का पेपर होता है टाइमिंग। अब देखोगे यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है, वो सब अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो 100% बोलता हूँ आप लोगों का बोर्ड का जो एग्जाम है प्लस यहाँ प्रीलियम पेपर हर चीज जिसका नहीं हुआ है उसका 100% ये प्रैक्टिस कर लिया ना, तो 100% बोलता हूँ आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। 80 में से नहीं सही तो 70 आप ही आएगा। बस आप लोग को अच्छी तरीके से देखना क्या चीज मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो जो प्रश्न पहला रहता है उसे निम्नलिखित पठित, जो आप लोगों को गद्य विभाग पहला रहता है उसमें आप लोग को देखोगे यहाँ पे लिखा गया है आप लोग को निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ। कृति मतलब क्या होता है, एक्टिविटी दिया रहेगा उसी को, बस ये पैसेज को अच्छी तरीके से मतलब इसको पढ़ना है जो दिया गया है, और इसी में से आंसर ढूंढ के लिखना है। बहुत ईजी रहता है, बस 8 नंबर ईजिली आप लोग को मिल सकता है। बस आप लोग को हिंदी अगर आप लोग को ढंग से पढ़ने आ रहा है, अच्छी तरीके से समझने आ रहा है, तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे दिया गया अच्छी तरीके से, ए भी 2 नंबर के लिए है, दोनों आप लोग 4 भर देते हो तो इजिली आप लोग पा जाओगे नंबर। अब यहाँ पे देखो दूसरा दिया गया आकृति पूर्ण करो, इसमें कवि लपकानंद के विषय में लेखन ने क्या लेखक ने यह बताया, क्या बताया था, बस उसको आप लोग को लिख देना है। इस तरीके से पूरा आप लोग 2-2 नंबर इजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पे शब्द बनाइए, उपसर्ग दिया गया है और प्रत्यय दिया गया है, जो आगे जोड़ते हैं उसको उपसर्ग और जो पीछे जोड़ते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग को जोड़ना है, इसे 2 नंबर इजिली मिलेगा। अब आता है सोमत, आप लोग को बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, हिंदी हो जाए इंग्लिश हो जाए और मराठी सब में आता है सोमत, आप लोग को मराठी में 3 नंबर के लिए आता है, बाकी इसे आप लोग को 2 नंबर के लिए है, तो इजिली आप लोग कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ सोमत सकून, अब सकून के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है, बस अब सकून और सकून ये आप लोग कहानी स्टोरी पढ़े रहोगे तो इजी है, बस आप लोग को अच्छी तरीके से लिख देना है बना के, कोई टेंशन नहीं है, बस बना के लिख दोगे आधा पेज भी, दो मतलब 4-5 लाइन लिख दिए तो भी इजीली नंबर मिल जाएगा। उसके नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे दूसरा वाला वही चीज़ पैसेज है, 8 नंबर का दूसरा, निम्नलिखित आ निम्नलिखित पहले का निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मतलब इसको आप लोग अच्छी तरीके से क्या करना है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है जो बता रहा हूँ इजिली। अगर आप लोग बस एक बार ये प्रैक्टिस कर लेते हो 100% बोलता हूँ आप लोग का पेपर जो है 100% आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला। अगर आप लोग ये करके जाते तब आके बोलना सर पेपर की मेरा बहुत अच्छा गया, आप लोग जरूर कमेंट करना कि पेपर आप लोग किस तरीके से गया हिंदी का। देख रहे हो यहाँ पे आप लोग, अब आता है विभाग जो आप लोग का दिया गया है दूसरा विभाग, दूसरा मतलब आप लोग का पद विभाग आ जाता है। देख रहे हो यहाँ पे पद विभाग दिया गया है, किस तरीके से आता है, 12 नंबर के लिए रहेगा, 2 रहेगा 2 पोएम रहेगा मतलब कविता, उसमें से 6-6 नंबर के लिए रहता है। दिखाता हूँ आप लोग को, देख रहे हो यहाँ पे प्रश्न दूसरे का, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना कृति, कृति मतलब आप लोग को यही अच्छी तरीके से पढ़ना, और यहाँ पे देख रहे हो अच्छी तरीके से लिखा गया गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, गजल जो दिया गया था उसे प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, बस उसको लिख देना है। अब यहाँ निम्नलिखित दूसरा आता है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर, रोशनी क्या है, सीप क्या है, जुगनू क्या है, वो चीज़ आप लोग मोती क्या है, इसको लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे नीचे क्या लिखा गया है, एक फिर से आता हूँ इसे ही, उपयुक्त पद्यांश के अंतिम 4 लास्ट वाले के 4 पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब उसका मीनिंग लिखना रहेगा, इस तरीके से हो जाता है। उसका नीचे आप लोग देखोगे आ जाता है इसी में, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करो। देख रहे हो आप लोग यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से करना। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग प्रैक्टिस पेपर देखे रहोगे तो उसी के अंदर से ये चीज़ है। देख रहे हो ये सब का क्या करना आप लोग को, इसको जोड़ियाँ मिलाना, हृदय का क्या होगा, भुजा का क्या होगा, संचय क्या होगा, अतिथि का क्या होगा, ये सब आप लोग को इसमें क्या करना है, उसका ही जोड़ियाँ मिलाना है। इधर ही सामने आप लोग को दिया गया, इसे से ढूंढ के आप लोग को लिख देना रहेगा, इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नम्र और प्रयुक्त वक्त युक्त लिखा है, प्रत्यय युक्त और उपसर्ग युक्त, इसको भी आप लोग को लिखना रहेगा। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दूसरा दूसरे का दूसरे में ही है, निम्नलिखित शब्दों में पद्यांश में विलोम शब्द, दानव का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, और आज्ञान का ज्ञान हो जाएगा उसका विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, उल्टा।
अब यहाँ पे तीसरा वाला जो दिया गया प्रारंभ के, मतलब वो जो ए वाला है उसका प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग के चार लाइन का क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको चार लाइन का लिखना है मीनिंग, इस तरीके से हो जाता है आप लोग का। देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आप लोग को इसमें देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे तीसरे वाले में चार का लिख दिए दोगे तो इजिली आप लोग को दो नंबर मिल जाए। अब आता है पूरक पठन, तो पूरा दिखाता हूँ आप लोग, प्रैक्टिस नहीं करते हो बोलते हो साफ नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आप लोगों को नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। विभाग तीसरा पूरक पठन आता है, पूरक पठन वो जो गद्य पद्य होने के बाद आप लोगों का कहानी चार दिया रहता है उसी में से दो आप लोग को दिया रहता है। देख रहे हो इसमें दिया गया चार नंबर के लिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति करो, मतलब इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और गर्मी की क्या क्या विशेषता होती है उसको बता देना, और नीचे क्या दिया छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों में चीज़ें खरीदने पर यह समय हमारा व्यवहार विषय 25 से 30 शब्दों में लिखना है, वो चीज़ आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करो, मतलब ये दिया गया अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है और यहाँ पर लिख देना है। देख रहे हो इतना इजी आता है पेपर, क्या बोलो, बाकी आप लोग बोलते हो सर बहुत कठिन आ रहा है, बाकी इसको अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये 6 तारीख का पेपर था, मैं 7 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए बस, क्योंकि ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो 100% आप लोग पेपर जो बोर्ड का हो या कहीं का भी इसी तरीके से आता है। अब इसमें देख रहे हो नारी सम्मान के बारे में 25 से 30, नारी मतलब औरत, उसके सम्मान के बारे में 25 से 30 शब्दों में लिख देना है, उसमें भी दो नंबर आप लोग को इजिली मिल जाएगा। अब आता है भाषा अभ्यास अध्ययन, इसमें व्याकरण रहता है, व्याकरण बहुत छोटा छोटा है, पूरा HD Tech चैनल पे पूरा बना है, आप लोग उसको करोगे तो 100% आप लोगों का पूरा नंबर 14 का 14 ये नंबर देने वाला है, पूरा टोटल जो ग्रामर का है 40 नंबर का पूरा टोटल ग्रामर आता है, पूरा आप लोग का हो जाएगा। देख रहे हो इसे अधोरेखांकित शब्द को शब्द भेद पहचाना, शब्द भेद पहचान के लिखना है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अव्यय किसी अव्यय के अपने वाक्य प्रयोग करना, ए वर्ड को अपने वाक्य में कोई भी वर्ड बनाना, मैं गांव जा रहा था पर नहीं गया, पर का यूज़ हो गया, बहुत दूर जाना था, बहुत का यूज़ हो गया, बस ऐसा करना, और संधि विच्छेद करना आप लोगों को इसमें से दो में से कोई एक, ये सब देख रहे हो ये सब HD Tech चैनल पे ऑलरेडी पूरा बना हुआ है वीडियो, ऑल टोटल पूरा बना है, पूरा आप लोग ग्रामर चाहोगे पूरा देख के 15-20 मिनट में पूरा ग्रामर कर सकते हो। अब आता है उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे विभाग जो पांचवा है रचना विभाग, रचना विभाग में क्या होता है उसको बताता हूँ, उस रचना विभाग में पूरा ग्रामर आता है, ग्रामर मतलब बड़ा नंबर का, उपयोजित लेखन भी बोलते हैं उसको। इसमें देखोगे प्रश्न पांचवें का अ में सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए, लेखन मतलब पत्र लेखन। अब देखो पत्र लेखन का HD Tech चैनल पे इतना इजी बनाया उन्होंने, क्या बोलो, अगर वो देख ले तो इजीली आप लोग कर सकते हो। देख रहे हो इसमें कुछ ऐसा करना ही नहीं, देख रहे हो इसमें क्या लिखा है, अनुराग छात्रावास महात्मा गांधी मार्ग नागपुर से विजया भाले राव अपने जीवन स्वप्न लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को, ये कभी मत करना आप लोग, कौन सा करना है शिकायत करना है, ये दूसरा दुर्गेश और दुर्गा देश पांडे 45 गुरु नानक नगर नादेड़, ये दिया गया पिन कोड और विभाग महाराष्ट्र बिजली मंडल को उप अभिनय के नाम पत्र लेकर इस महीने की बिजली का बिल अधिक रकम आने की शिकायत करना, बस आप लोग दूसरा वाला करो, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बस दूसरा वाला आप लोग करो। इससे ऑलरेडी HD Tech चैनल पे पत्र का वीडियो बना है, आप लोग उसको भी देख के अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब आता है उसके बाद ये चीज़ें, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे चार प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वर्ड में हो, मतलब वन सेंटेंस आप लोग को इसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, ये चार प्रश्न बना दिए इजिली तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब उसके नीचे आता है प्रश्न पांचवें का वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन, दोनों में से कोई भी एक करना रहता, तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा आप लोग हमेशा कौन सा करोगे, वृत्तांत लेखन ही करना, वृत्तांत लेखन मतलब अपने स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ रहता उसी के बारे में आप लोग को लिखना रहता है। देख रहे हो यहाँ गाला विद्यालय नासिक में मनाए गए बाल दिवस, कौन सा बाल दिवस का वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में लिखना, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया टॉपिक, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर करके एक पेज दो पेज आप लोग लिख देते हो तो इजिली 5 नंबर मिल जाता है, इसको मत करना कहानी, कहानी में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता, इस तरीके से हो जाता। अब आता विज्ञापन, विज्ञापन लेखन आप लोगों को रहता है 5 नंबर के लिए,
एक कागज की थैलियाँ लिखना बहुत ईजी है। ये चीज़ आप लोग का टॉपिक अच्छी तरीके से, अगर कोई भी अभी कहीं जाते हो, पैम्पलेट देखते हो, किसी क्लासेस का हो गया या कोई दुकान नया खुला, शॉप खुला, उसका भी आप लोग पैम्पलेट, तो आप लोग पैम्पलेट देखो किस तरीके से उसमें बनाया रहता है, उसको आप लोग देखो ना अच्छी तरीके से, देख के किस तरीके से रहता है। अगर कागज़ की थैली वाला दुकान खुला वो उसका पैम्पलेट किस तरीके से रहता है उसको देख के फॉलो करो, 100% आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पे निबंध लेखन है, आप लोग देख रहे हो निबंध लेखन आप लोगों का जो लास्ट है, आप लोग निबंध लेखन दीपावली, भारत के गांव और यहाँ नदी की आत्मकथा, इस तरीके से इसमें आप लोग कोई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो पेज था यहाँ पे दिया गया, दूसरा वाला पेज उसमें नहीं था, तो यहाँ पे दूसरा वाला पेज का भी आप लोग इसी तरीके से इसमें भी आप लोग को ढूंढ के करना ही है। ये लेखक के संतति के ही हिदायत इसमें लिखना, और इसमें देख रहे हो अंग्रेजी के शब्द ढूंढ के लिखना है, इसमें सौमत लिखना है, और ये सब चीज़ उसी तरीके से जिस तरीके से अभी जस्ट हम लोग देखे ऊपर, ये भी आप लोग का दूसरे पेज था, दूसरा पेज इसे ऐड नहीं हुआ था तो इसके लिए लास्ट में है, उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो आप लोग देख लेते हो बाकी शेयर नहीं करते, आप लोग इसको भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में।